कौन सा तीर मारा है जिसकी वजह से पदवी मिल गई। और जब बेपरवाजी के सामने, साईं जी के सामने कई बार लोग गाया करते थे कि मेरे बीच ऐब गुना बहुत है। गाना आसान होता है, मेरे में ऐब गुना बहुत है, पर अगर मेरे में ऐब गुना ना होते तो तू किसको बख्शता। तेरे में अगर ऐब गुना ना होते तो तुझे चुटकी में नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते, बख्शने की क्या जरूरत थी। क्योंकि उसके दर्शन तो जिसमें ऐब गुना नहीं है उसको भी नहीं होते, दर्शन उसे होते हैं जो पीर फकीर पूर्ण मिल जाए और उसका नाम जपे और पीर फकीर या फिर अपनी निगाह से, अपने रूहानी अंदाज से आशीर्वाद दे दें, उन्हें नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस भ्रम में मत रहो कि अगर आप गुनाहगार ना होते तो मालिक आता ना, उसने तो आना ही था, चाहे आप गुनाहगार होते चाहे ना होते। हम किसी फकीर की बाणी को जुटलाते नहीं, हम तो वैसे नॉर्मली आपको एक समझाना चाहते हैं। कई बार होता है ना कि हम में गुनाह करते जाएं कि तू किसको बख्शता अगर मेरे में पाप गुनाह ना होते, तो पाप गुनाह ना होते तो जल्दी छुट्टी हो जाती, जल्दी मालिक के नजारे मिलते। फिर भी ये सतगुरु को तो आना ही था। तो इसलिए हमेशा याद रखिए अपने मुर्शिद को, उसकी दयामय रहमत को, कभी भूल के भी निंदा ना करो। निंदा करके पिछले संस्कार भी खत्म होते हैं, इस जन्म में भी भक्ति खत्म होती है और आपकी शातिर चाल नहीं होती, आपका मन शातिर बनके आपको दगा देता है। बेपरवाजी फरमाते, मन मित्र बनके धोखा देता है। दिमाग में सेट हो जाता है और दिमाग बड़ा चलता है, इंसान सोचते यार मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा समझ। बेपरवाजी फरमाते, जब फकीर कहे तो जरूर जवाब दो कि बेटा ये काम कैसे करना है। कहीं ये मत सोच लेना कि फकीर को कुछ आता नहीं, क्योंकि उसका खसम उससे करवाता है और उसका खसम सबको दिमाग देता है। तो इंसान को हमेशा रूहानियत से दूर नहीं होना चाहिए। जिस रूहानियत की वजह से दाते मिलती हैं, खुशियां मिलती हैं, लज्जतें मिलती हैं, अगर आपको वो बोझ लगता है तो सुधारिए अपने आप को, क्योंकि आप में बेहद कमियां आ गई हैं। आप मन माया के लिए पगला गए हैं। सात का चक्रव्यूह है,